विशेष करी बेलावा में आए हुए सभी सम्मानीय नागरिक बंधु, आज के सत्र के अध्यक्ष महोदय और मेरे भाई तरीके श्री रवि कुमार राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में मेरे ही तरह उपस्थित एक और प्रमुख वक्ता श्री चंद्रकांत बानखेड़े जी, और आज के सत्र में आने वाले एक और प्रमुख वक्ता श्री हिंदीचंद सावला जी। मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समिति का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और गैर करार पेटेंट का विषय हमारे क्षेत्रीय समाज को कितना धोखादायक है उसके बारे में बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले भाई श्री रवि राणा का बहुत आभारी हूँ जिनके विशेष आग्रह पर मैं आपके बीच में हरिद्वार से आ सका, और उन्हीं के साथ डॉक्टर चौधरी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बार बार फोन करके मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर चौधरी और श्री रवि कुमार राणा जी दोनों के विशेष आग्रह और प्रेम भरे निमंत्रण पर मैं आपके बीच आ सका। अपने भारत देश की सरकार ने सन 1995 में एक गैर करार नाम की अंतर्राष्ट्रीय संधि की। 1995 में भारत सरकार ने जो गैर करार नाम की संधि की वो 1 जनवरी को हुई, और 1 जनवरी 1995 से ये संधि संपूर्ण भारत देश में लागू हुई। इस संधि को भारत सरकार ने जब किया था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय संधि को लगे हुए स्थापित हुए चालू हुए करीब करीब 13 वर्ष हो गया, और 13 वर्ष के बाद ये संधि आज जहां तक पहुंची है तो भारत में प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव स्वर्गवासी हो चुके हैं। जब ये संधि हमारी सरकार ने की थी गैर करार की, तो हमारे देश की संसद में हमारी सरकार ने कुछ माहिती दी थी, और उसमें से एक माहिती ये थी कि ये जो संधि हो रही है गैर करार की, इससे हमारे क्षेत्रीय समाज को बहुत फायदा होगा। हमारे देश के वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं और संधि के समय में जो वाणिज्य मंत्री थे उनका नाम है श्री प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी ने संसद में 1 जनवरी को एक बयान दिया था और 1995 में और ये कहा था कि इस संधि के लागू होने से भारत के शेतकरी समाज को बहुत लाभ होगा। इतना लाभ होगा कि हमारे शेतकरी समाज कभी श्रीमंत हो जाएगा। हमारे खेती के विषय में संधि के बारे में ये कहा गया था कि इस संधि को लागू करने से भारत की खेती का जो विकास दर है वो कम से कम 8 से 10% हो जाए। और एक माहिती दी गई थी वो ये कि ये संधि लागू होने से, गैर करार लागू होने से भारत के शेतकरी समाज को डॉलर बहुत ज्यादा मिलेगा, विदेशी मुद्रा में उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी, और विदेशी मुद्रा हमारे भारतवासियों को शेतकरी समाज को जास्ती मिलेगी तो शेतकरी समाज की गरीबी सब खत्म हो जाएगी। ऐसे करके इस संधि के बारे में और भी बहुत माहिती दी गई थी, भारत का विदेशी व्यापार बढ़ेगा और भारत का विदेशी व्यापार बढ़ के कम से कम 200 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बढ़ जाएगा, भारत एक श्रीमंत और औद्योगिक देश हो जाएगा, संपूर्ण दुनिया में भारत की जय जयकार हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी माहिती देकर ये संधि हमारी सरकार ने की थी। अब ये संधि किए हुए लगभग 13 वर्ष हो गए, और संसद के बाहर भारत के लोगों को ये कहा गया था कि गैट करार लागू होने से खेती को और शेतकरी समाज को बहुत फायदा होगा, खेती का जो विकास दर है वो 8 से 10% हो जाएगा और शेतकरी समाज श्रीमंत हो जाएगा, और हमारे देश के शेतकरी समाज द्वारा जो उत्पन्न खेती की वस्तुएं हैं उनको बाजार में बहुत अच्छा भाव मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट हमारे लिए खुल जाएगा। हमारा जो भी खेती का उत्पन्न खराब हो जाता है हर वर्ष वो पूरे दुनिया के बाजार में बिकने लगेगा। ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें करके गैट करार को हमारी सरकार ने सही किया था। अब गैट करार सही हुए लगभग 13 वर्ष हो गए हैं, 13 वर्ष के बाद की स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो सरकार ने कहा था अब वो 13 वर्ष के बाद कहां तक पहुंचा है। तो पहली माहिती जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि भारत सरकार ने जो खेती की विकास दर की बात की थी
कि 8 से 10% हो जाएगी। गैंट करार लागू होने के 13 साल के बाद हमारी क्षेत्र की विकास दर अब सिर्फ 4% के आसपास है। और आपको जानकर यह दुख होगा कि जिस दिन गैंट करार को सही किया गया था 1 जनवरी 1995 को, उस दिन हमारी क्षेत्र की विकास दर 4.8% थी। अब क्षेत्र की विकास दर 4% रह गई है, माने गैंट करार लागू होने के 13 साल में क्षेत्र की विकास दर कम हुई है, बढ़ी नहीं। दूसरी एक माहिती दूं कि जब गैंट करार सही हुआ था 1995 में, तो हमारे देश में ऐसी एक भी खबर नहीं थी कि शेतकरी समाज को आत्महत्या करनी पड़ती है। गैंट करार लागू होने के अब 13 साल में हमारे देश के शेतकरी समाज के हजारों शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। हम जहां विदर्भ में रहते हैं, विदर्भ में तो शायद ही कोई जिला बचा होगा, अमरावती है, फिर वर्धा है, फिर बुलढाना है, फिर गढ़चिरौली है। विदर्भ के तो सारे जिले, एक भी जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां शेतकरी समाज की आत्महत्या न हुई हो। और इस विदर्भ का एक बड़ा प्रतिनिधि समाचार पत्र है देशोन्नति। देशोन्नति ने तो बाकायदा एक मुहिम चला रखी है कि जब भी कोई शेतकरी आत्महत्या करता है, देशोन्नति वो अखबार है जिसके प्रथम पृष्ठ पर उसकी खबर छपती है। और वो काट काट कर मैं रखता रहता हूं। अभी तक हजारों शेतकरी आत्महत्या की खबर देशोन्नति के माध्यम से मेरे जैसे पाठकों को मिली है। और ये आत्महत्या हमारे शेतकरी समाज की विदर्भ में हो रही है, ये सिर्फ विदर्भ में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी शेतकरी समाज की आत्महत्या हो रही है, कर्नाटक में भी शेतकरी समाज आत्महत्या के रास्ते पर है, केरल में, तमिलनाडु में भी शेतकरी समाज आत्महत्या के रास्ते पर है। भारत के 12 से ज्यादा राज्यों से शेतकरी समाज के आत्महत्या करने की खबर मिलती है। 12 से ज्यादा राज्यों में शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। बड़ा दुख है और अफसोस है, और ये शर्मनाक है कि गैंट करार जब साइन किया गया, गैंट करार जब इस देश में लाया गया 1 जनवरी 1995 से, उस समय तक हमारे देश में शेतकरी आत्महत्या की खबरें ना के बराबर थी। अब गैंट करार लागू होने के 13 साल में शेतकरी समाज की आत्महत्या हजारों की संख्या में हो रही है। और आपको शायद याद होगा, एक बार तो शेतकरी समाज की आत्महत्या के प्रश्न पर परेशान होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को विदर्भ की यात्रा करनी पड़ी थी और सेवाग्राम में आकर 2 दिन रुकना पड़ा था शेतकरी समाज के प्रश्नों को समझने के लिए। संसद में इतनी बार हंगामा हो चुका है शेतकरी आत्महत्या के सवाल पर। तो गैंट करार लागू होने से शेतकरी समाज की आत्महत्या बढ़ी। गैंट करार लागू होने से हमारे शेतकरी समाज का जो विकास दर है, खेती का विकास दर है, वो कम हुआ। 4.8% से अब 4% पे आ गया है। और अगले 1 साल का हमारे लोगों का अनुमान है, अर्थशास्त्रियों का, खेती की विकास दर 3% के आसपास 2009 के समाप्त होने तक हो जाएगी। उसके बाद हमारे देश की सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसकी मैं माहिती आपके बीच में रखना चाहता हूं। गैंट करार लागू होने के बाद भारत के शेतकरी समाज और साधारण लोगों पर उसका क्या फर्क पड़ा है, क्या अंतर आया है, उसके लिए एक सर्वे हुआ। हमारे देश में एक बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता। वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बहुत खास मित्र हैं और भारत देश में बहुत समय तक ऊंचे पदों पर रहे हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता हमारे देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके ठीक नीचे उपाध्यक्ष। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़े अर्थतज्ञ हैं, बंगाल के बहुत समय तक वित्त मंत्री रहे हैं। ऐसे एक विद्वान व्यक्ति ने भारत सरकार का एक सर्वेक्षण पूरा किया है। 2006 जून में वो सर्वेक्षण छपा है और उससे ये उन्होंने एक माहिती निकाली है कि गैंट करार लागू होने के बाद भारत के साधारण लोगों की स्थिति और विशेष रूप से शेतकरी समाज की स्थिति बहुत खराब हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, उन्होंने बताया है कि गैंट करार लागू होने के लगभग 12 साल में भारत के साधारण लोगों की गरीबी बहुत बढ़ी है, साधारण शेतकरी की गरीबी बहुत बढ़ी है। और उन्होंने गरीबी के आंकड़े दिए हैं, मेरे जैसे आदमी को हैरानी होती है, सारे देश को हैरानी है। 84 करोड़ लोग इस समय गरीबी की रेखा के इतने नीचे हैं कि जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है।
गेट करार लागू होने के बाद की ये स्थिति है। 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, 115 करोड़ का हमारा देश है, 115 करोड़ में 84 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। इसका सीधा मतलब है 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। और प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट को ही आगे मैं बता रहा हूं कि 50 करोड़ लोगों की तो एक दिन की आमदनी 10 रुपए से कम, 50 करोड़ लोग, और 25 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपए से कम है। और ये पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से हुआ है, गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है। फिर हमारे देश के प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की ही कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि गेट करार लागू होने के बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे जो रोजगार करने के काम होते थे, वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। छोटे उद्योग धंधे रोजगार देने वाले सारे तंत्र धीरे धीरे खत्म हुए। और एक दो माहिती देता हूं, गेट करार लागू होने के 12 साल में हमारे देश का खेती का जो निर्यात है वो बहुत तेजी से गिरा है। हम जो खेती का निर्यात करते थे 1995 में, उस निर्यात से हमारी जो कुल आमदनी होती थी, आज वो आमदनी हमारी 20-25% कम हो चुकी है खेती से होने वाली आमदनी। और ये आमदनी कैसे कम हुई है, 1995 में जब ये गेट करार लागू हुआ था तब $1 36 रुपए का था। अब गेट करार लागू हुए लगभग 12-13 साल हो गया, अब $1 लगभग 50 रुपए के बराबर है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि पहले हम खेती का कोई भी वस्तु 36 रुपए का बेचे तो हमें $1 की इनकम होती थी, अब 2009 में खेती की 50 रुपए की वस्तु बेचते हैं तब $1 की इनकम होती है। माने वस्तु हमारी जास्ती जाती है, डॉलर हमारे पास उतना ही आता है जो 1995 में आता था। अगर आप इसको टक्केवारी में निकालेंगे तो 36 रुपए डॉलर से अब 50 रुपए डॉलर हो गया, लगभग डॉलर की पोजीशन में 25-30% की गिरावट आई है। और यही गिरावट हमारे खेती से होने वाली आमदनी में भी आई है, और इसी गिरावट के कारण हमारे शेतकरी समाज को गरीबी और ज्यादा आई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि गेट करार लागू होने से ये शेतकरी समाज और खेती को नुकसान हुआ कैसे। मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूं, गेट करार की बहुत सारी शर्तें हैं। गेट करार का मैंने बहुत अभ्यास किया लगभग 10-12 साल, और उस अभ्यास के बाद सारे देश में मैंने 10,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए गेट करार पर। गेट करार एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें 155 देशों ने सही किया है। इसमें से 20-25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे स्वीडन है। ऐसे 20-25 देश बहुत श्रीमंत हैं जो गेट करार में सही किए हैं, और बाकी के 125 देश बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब देशों में जैसे बोत्सवाना एक देश है, बहुत ही गरीब देश है, अफ्रीका का देश है, बहुत ही गरीब है। वहां तो पूरे देश की सकल आमदनी की जब बात की जाती है तो एक आदमी की आमदनी रुपए में जब गिनी जाती है तो 1.5 से 2 रुपए से कम पड़ती है उनके यहां। तो बोत्सवाना है, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राजील है, मेक्सिको है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया है, फिर और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो 125 देश तो बहुत गरीब है, और 25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं। उनकी श्रीमंताई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, अमेरिका जैसा श्रीमंत देश अपने शेतकरी समाज को दर वर्षी $400 अरब की सब्सिडी देता है, $400 अरब, $400 बिलियन, $400 अरब अमेरिका की सरकार अपने शेतकरी समाज को सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो क्या है। अगर अमेरिका का कोई शेतकरी खेती करे और खेती में वो ये कहे कि मेरे पास $1 अरब का उत्पन्न है, अमेरिका का कोई शेतकरी $1 का उत्पन्न अगर अपने क्षेत्र में करता है तो अमेरिका की सरकार उस $1 के उत्पन्न को अमेरिका से शेतकरी से 400 देकर खरीद लेती है, $400 देकर खरीद लेती है। $1 का उत्पन्न वो $400 देकर खरीद लेते हैं, माने शेतकरी को उत्पन्न से 400 पट जास्ती मुनाफा वो दे देते हैं।
अब वो उत्पन्न को फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करते हैं और उस बिक्री के कारण वो सस्ता हो जाता है क्योंकि सरकार के पैसे बहुत लग गए हैं उसमें। तो अमेरिका के शेतकरी का जो शेत उत्पन्न है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ता आके बिकने लगता है। भारत में इसका उल्टा होता है। भारत की सरकार शेतकरी को सब्सिडी तो देती नहीं है, माननीय शरद जोशी के हिसाब से अगर कहूं तो निगेटिव सब्सिडी देती है। शेतकरी संगठन वाले यहां बैठे हैं उनके हिसाब से कहूं, उनका बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि सब्सिडी तो देती नहीं, निगेटिव सब्सिडी है हमारे यहां, माने शेतकरी से उल्टा खींच लेती है हमारी सरकार, शेतकरी को तो देती नहीं है। तो यहां के शेतकरी को तो कोई खास सब्सिडी है नहीं और अमेरिका के शेतकरी को $400 अरब साल की सब्सिडी है। आप सोचेंगे कि इतने असंतुलित जमाने में कैसे शेतकरी खड़ा रहे। हमारा शेतकरी खेती करता है, कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, बैंक के बाद उनकी सहकारी पद संस्थाओं से कर्ज लेता है, सहकारी पद संस्थाओं का कर्ज 14-15% के ब्याज पे पड़ता है, बैंक का कर्ज भी 7-8% के ब्याज पे पड़ता है। और अमेरिका का शेतकरी जब कर्ज लेता है बैंक से तो उसको ब्याज ही नहीं देना पड़ता और उनके यहां तो निगेटिव ब्याज होता है, माने सरकार अपनी तरफ से शेतकरी को मदद करती है। तो अमेरिका का शेतकरी बिना ब्याज के कर्ज लेके खेती करता है, भारत के शेतकरी को ब्याज भर के खेती करनी पड़ती है, ब्याज देनी पड़ती है अपने कर्जे पर। और भारत का शेतकरी सबसे जास्ती ब्याज देता है कर्जे पर, जो कोई नहीं देता इस देश में। अभी 3-4 साल पहले तक तो भारत के शेतकरी को 14% का ब्याज था हमारे देश में और सहकारी पद संस्थाओं में तो 18-20% का ब्याज था। और अगर प्राइवेट मनी लेंडर से वो कर्ज लेता है तो ब्याज का दर 100% भी हो सकता है, 150-200% भी हो सकता है। तो भारत का शेतकरी बहुत ज्यादा ब्याज लेके, बहुत ज्यादा ब्याज देके कर्ज लेता है, अमेरिका के शेतकरी को ब्याज ही नहीं भरना पड़ता। भारत का शेतकरी अपनी वस्तुएं सरकार को बेचता है तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से भी कई बार सस्ती कीमत पे खरीदी कर लेती है, वहां भी शेतकरी मार खा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की सरकार अपनी शेतकरी को एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है और भारत की सरकार ऐसी कोई सब्सिडी नहीं देती है। तो अंत में निर्णय क्या आता है, अंत में फैसला जहां जाता है या बात जहां जाके रुकती है वो ये कि भारत के शेतकरी का माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाते जाते महंगा हो जाता है क्योंकि यहां ब्याज ज्यादा देनी है, सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट सब्सिडी भी नहीं है और सरकार को शेतकरी समाज की अगर टोटल सब्सिडी है तो वो निगेटिव है। इन तीनों बातों से मिलकर भारत के शेतकरी का कोई भी उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होता है और अमेरिका और कनाडा और यूरोप के शेतकरी का उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव बाजार पेट में सस्ता होता है। अब सस्ता उत्पन्न है तो जास्ती बिकेगा, महंगा उत्पन्न है तो कम बिकेगा। यही चक्कर में भारत के शेतकरी समाज की वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम बिकती हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब शेतकरी समाज की वस्तुएं कम बिकती हैं तो उसका दोनों तरफ ऋणात्मक प्रभाव आता है। पहला तो माल कम जाता है, दूसरा शेतकरी को आमदनी कम होती है। इसके विपरीत दूसरे देशों के शेतकरी को जब ज्यादा सब्सिडी वाला माल भारत में आके बिकता है, क्योंकि WTO की एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कोई भी देश के खेती का माल किसी भी देश में जाकर आसानी से बिकेगा, तो अमेरिका का शेत उत्पन्न भारत में आके बिक सकता है, यूरोप का शेत उत्पन्न भारत में आके बिक सकता है। तो अमेरिका और यूरोप के देशों की कापूस आके भारत में बिकना शुरू हो गई है। अब अमेरिका की कापूस और यूरोप की कापूस भारत में आके बिकती है तो उसका बाजार भाव 1500 रुपये 1600 रुपये क्विंटल के आसपास होता है और भारत के शेतकरी समाज की जो कापूस होती है खराब से खराब कापूस 1700-1800 रुपये क्विंटल की होती है। तो भारत की शेतकरी की कापूस महंगी और अमेरिका के शेतकरी की कापूस सस्ती, तो भारत के बाजार में भी अब विदेशी कापूस जास्ती बिकती है। तो कापूस उत्पन्न करने वाले शेतकरी समाज की कापूस कम बिकती है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव कम मिलता है, दूसरे अपने ही देश के बाजार में कापूस कम बिकती है। दोनों का ही दुष्परिणाम ये होता है कि कापूस उत्पन्न करने वाले शेतकरी को आमदनी कम होती है और वो आमदनी उसके खर्चे से भी कई बार कम होती है। तो बैंक का खर्चा इतना लागत बढ़ जाती है कि वो कर्जे में डूब जाता है और अंत में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे देश में टाटा इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च कराया, सर्वे कराया विदर्भ में शेतकरी समाज की आत्महत्या के विषय, तो उसमें पता चला कि बहुत सारे कापूस उत्पन्न करने वाले विदर्भ के जो शेतकरी हैं उनका जो कापूस उत्पन्न का खर्चा है उससे कम कीमत पर उनकी कापूस बिक रही है बाजार। खर्चा आता है 1700 रुपये क्विंटल, खर्चा आता है 1800 रुपये क्विंटल और कापूस बिकती है 1500 रुपये क्विंटल, 1400 रुपये क्विंटल,
1350 रुपए क्विंटल, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ है। और एक समय क्या आता है कि जब आप खर्चा ज्यादा करें खेती में और उत्पन्न आपका ना बिके उस भाव से जिस भाव का खर्चा आपने किया, तो हर समय आप घाटे घाटे और घाटे की खेती करें, और घाटे की खेती की पूर्ति करने के लिए बैंक से कर्जा लें, और बैंक के कर्जे को ब्याज देने के लिए कर्जा लें, फिर कर्ज का ब्याज और ब्याज का कर्ज, यही चक्कर में किसान आत्महत्या कर ले, ऐसी हालत हमारे यहाँ है। दूसरी एक समस्या गैस करार के बाद जो हमारे यहाँ पैदा हुई कि जब से प्रदेश के श्वेत उत्पन्न भारत के बाजार में आसानी से बिकने लगे हैं, हमारे शेतकरी ने उन उत्पन्न को करना ही कम कर दिया। आपको सुनकर अफसोस होगा और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि भारत के बाजार पेट में मलेशिया की दाल बिकती है, भारत के बाजार पेट में इंडोनेशिया की दाल बिकती है, भारत के बाजार पेट में चाइना का लहसुन बिकता है, भारत के बाजार पेट में ईरान का आलू बिक रहा है, भारत के बाजार पेट में अमेरिका का सेब बिक रहा है, सफरचंद जिसको हम कहते हैं एप्पल, भारत के बाजार पेट में न्यूजीलैंड का केला बिक रहा है, माने दुनिया भर के हजारों श्वेत वस्तुएं, कृषि वस्तुएं भारत के बाजार में आके बिकने लगी है। अब जिन वस्तुओं को अपना शेतकरी उत्पन्न करता था, वही वस्तुएं जब विदेशों के बाजार से आकर अपने बाजार में बिकने लगेंगी, तो भारत के शेतकरी के लिए बाजार कम होता गया, और बाजार कम होता गया तो फिर शेतकरी को आमदनी में कमी आ गई, और फिर वो आमदनी की कमी शेतकरी की गरीबी को बढ़ा गई। आज से 10-12 साल पहले हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत के बाजार में चाइना का लहसुन मिलेगा, ईरान का आलू मिलेगा, अमेरिका का सफरचंद मिलेगा, न्यूजीलैंड का केला मिलेगा, या मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देशों की दालें मिलेंगी। एक छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में बर्मा, उसकी सबसे ज्यादा दाल आके यहाँ बिकती है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, बर्मा जैसे देश की अंधाधुंध बिकती है। और समस्या क्या आती है, भारत के शेतकरी की दाल का भाव 3500 रुपए क्विंटल, तो बर्मा की दाल का भाव 2700 रुपए क्विंटल, 2800 रुपए क्विंटल। अब 3500 रुपए क्विंटल भारत के शेतकरी की दाल, 2700 रुपए क्विंटल बर्मा की दाल, तो हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको मुनाफा जास्ती चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बर्मा की दाल खरीदते हैं, अंधाधुंध बेचते हैं। मैं कल जलगांव में था, यहां आने के लिए मैं कल जलगांव से ट्रेन पकड़ा था, सवेरे जलगांव से ट्रेन पकड़ा था, कल रात जलगांव में रुका था। आप जानते हैं जलगांव बहुत बड़ा बाजार है दाल का, मेरे एक बहुत नजदीकी दोस्त हैं जो दाल की प्रोसेसिंग करते हैं, मूंग की दाल की प्रोसेसिंग करते हैं। मैंने कल उनसे पूछा क्या हाल है बाजार का, तो उन्होंने कहा राजीव भाई 2-2.5 साल हो गए हैं हिंदुस्तान की मूंग की दाल बाजार में नहीं है, 2-2.5 साल हो गए। मैं बोला फिर किसकी है, तो उन्होंने कहा सारी मूंग की दाल बर्मा से आकर बिक रही है। तो मैं बोला 2.5-3 साल पहले क्या होता था, तो वो बोल रहे थे कि 2.5-3 साल पहले उत्तर प्रदेश की दाल आती थी यहां पर बिकने के लिए, बिहार की दाल आती थी यहां पर बिकने के लिए, बंगाल की दालें आती थी बिकने के लिए, उत्तराखंड की दालें आती थी बिकने के लिए, 2.5-3 साल से दालें ही नहीं नजर आ रही हैं, हिंदुस्तान की सारी बर्मा की दाल आती है बिकने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर बर्मा की दाल आ रही है बिकने के लिए जलगांव में, तो फिर जलगांव में बाकी भारतवासियों की दाल नहीं बिक रही, तो उनकी दाल का क्या हुआ, वो कहीं दूसरी जगह बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा बेच नहीं रहे हैं, दाल पैदा करना ही बंद कर दिया है उन्होंने। हमारे देश के हजारों नहीं लाखों लाखों शेतकरी जो 2.5-3 साल पहले तक दाल पैदा करते थे, उन्होंने 2.5-3 साल से दाल पैदा करना ही कम कर दिया है। और सरकार अब चिंता कर रही है कि दाल का क्षेत्रफल इस देश में घट रहा है, दलहन का क्षेत्रफल इस देश में घट रहा है। अब शेतकरी कहते हैं हम क्या करें, हमारी दाल को भाव नहीं है, विदेशी दाल 2700 रुपए क्विंटल में व्यापारी खरीद लेता, हमारी कौन खरीदेगा 3500 रुपए क्विंटल में, तो वो कहते हैं भाव नहीं है तो दाल पैदा करना कम कर दिया। इसी तरह की स्थिति तिलहन के क्षेत्र में है, तिलहन में हिंदुस्तान के शेत बाजार में इस समय सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल, वो पामोली तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा, 1-2 टन नहीं लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल जो भारत के शेत बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा, अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20-22 रुपए लीटर,
और शेतकरी समाज जो उत्पन्न करके तेल देता है वो है 40 रुपए लीटर। अब भारत का शेतकरी सरसों का तेल करे 40 रुपए लीटर, नारियल का तेल करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर, तो भारत में 40, 60 और 90 रुपए लीटर के आसपास तेल का भाव है और विदेशी पाम तेल मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। अब पाम तेल आ गया, वो वेजिटेबल ऑयल के साथ मिला के बेचा जा रहा है। आप बाजार से तेल खरीद के लाते हैं, किसी भी नाम का तेल खरीदो, रिफाइंड तेल के नाम से और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलिन तेल है। अब पामोलिन तेल हम खा रहे हैं, शेतकरी समाज खा रहा है। क्यों? क्योंकि शेतकरी समाज जो तिलहन पैदा करके बेचता था, शेतकरी समाज जो सरसों का तेल पैदा करके देता था या नारियल का तेल, उसको भाव नहीं है तो उन्होंने तिलहन पैदा करना कम कर दिया है। तो भारत में तिलहन का क्षेत्रफल भी लगातार घटता चला जा रहा है। दालें पैदा करना कम कर दिया, तिलहन पैदा करना कम कर दिया, तेल का उत्पन्न इस देश में कम हो गया, तो विदेशों से पाम तेल आकर बिकने लगा। अब वो पाम तेल के दो दुष्परिणाम हैं, एक तो जो शेतकरी नारियल करते थे, जो शेतकरी तिल पैदा करते थे, जो शेतकरी सरसों पैदा करते थे उनको नुकसान। दूसरा नुकसान देश के खाने वाले लोगों को, जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्योंकि पाम तेल के बारे में सारी दुनिया के जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं, और ये डॉक्टर चौधरी के लिए मैं कहता हूं कि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, सबसे ज्यादा। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बॉडी में डिजोल्व नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पर डिजोल्व नहीं होते। और ट्रांस फैट जब बॉडी में डिजोल्व नहीं होते तो फैट बढ़ता जाता है। और आपने सुना होगा कि जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी हृदय घात आता है और आदमी मर जाता है। जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। जब ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में तभी शरीर में ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होते हैं, डायबिटीज बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है जिसको BP आप कहते हैं, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे खतरनाक रोग जिनमें शरीर का हमेशा के लिए भयंकर दुष्परिणाम हो जाए या हमारे शरीर का भयंकर नुकसान हो जाए, ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परिणाम ही हैं। पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़कर। मलेशिया जिस देश से पाम तेल भारत में आता है WTO करार के बाद, वो मलेशिया खुद पाम तेल नहीं खाता। मलेशिया में पाम तेल का जास्ती से जास्ती उपयोग होता है उद्योग धंधों में, लेकिन वो पाम तेल गेट करार के बाद भारत में भयंकर पैमाने पर बेचा जा रहा है। तेल का बाजार पूरी तरह से अब विदेशियों के कब्जे में चला गया। तो एक तरफ अपना शेतकरी नुकसान पाता है, दूसरी तरफ लोगों को भी तकलीफ आती है। और इसी तरह गेट करार की एक खतरनाक शर्त ने हमारे देश को एक और बड़े खतरे में डाल दिया। हमारे देश में पहले एक कानून था कि जो बीज होता है, सीड्स जो होता है, वो सीड्स पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता रही है कि ये जो बीज है वो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, ईश्वर ने बनाया, परमपिता परमात्मा ने बनाया, इसको आदमी ने नहीं बनाया। तो इसलिए ये माना जाता है कि बीज जो होता है, सीड्स जो होते हैं, वो परमपिता परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसलिए वो पेटेंट के दायरे के बाहर है, उनको पेटेंटेबल नहीं माना जाता इस देश। अब गेट करार ने शर्त बदल दी। गेट करार की शर्त ये हो गई है कि सभी बीज अब पेटेंट के दायरे में आ गए। पहले हमारे यहां बीज होते थे डिस्कवरी, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, पहले बीज होते थे सब डिस्कवरी, अब पेटेंटेबिलिटी की दायरी में आने के बाद बीजों को सरकार ने इन्वेंशन जैसा मानना शुरू कर दिया। और खतरनाक स्थिति यह बना दी है कि डिस्कवरीज और इन्वेंशन बोथ आर पेटेंटेबल इन अवर कंट्री नाउ,
ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैट एग्रीमेंट। ये गैट करार के आधार पर अब डिस्कवरीज भी पेटेंटेबल हैं, इन्वेंशंस भी पेटेंटेबल हैं। तो सीड और बीज जो पहले पेटेंट के दायरे के बाहर थे, अब वो पेटेंट के दायरे में आ गए। जब बीज पर पेटेंट नहीं होता और बीज पर पेटेंट होता, उसमें फर्क क्या होता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं।